मेरे बिल्कुल अजय कुमार के पिताजी चरणजीत सिंह जी मेरे साथ हैं। चरणजीत जी, अग्निवीर जो योजना है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और पैसों के बारे में जब आपकी अब बात हुई है ICICI बैंक से, इन्होंने बात की है, तो क्या इसके बारे में आप पूरा कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा भी जो ICICI बैंक का ही पैसा वो इंश्योरेंस का मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला, जो 48 लाख मिला आर्मी की तरफ से मिला जी। योजना के बारे में क्या कहें? योजना के बारे में तो मैं तो रद्द कराना चाहता, योजना जो भी है अग्निवीर रद्द हो के रेगुलर भर्ती होनी चाहिए, बाकी इनू शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए है जी, जो परिवार को पेंशन मिलनी चाहिए एक मेंबर को जिदा भी मिलनी चाहिए, बाकी कंटीन कार्ड मिलना चाहिए है जी, बेटियां कोई ना कोई जॉब मिलना चाहिए, पढ़ी लिखी बेटियां नौकरियां जॉब मिलना, हाँ जी जॉब मिलना चाहिए। नहीं तो इनसे पूछिए हरपिंदर, जब इन्होंने राहुल गांधी का जो वीडियो था, हरपिंदर इनसे पूछिए, जब राहुल गांधी का जो वीडियो इन्होंने अगर देखा हो और इसमें जो वो कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं मिला, वो कब का वीडियो है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं हमारे लाइव में कि इनको पैसा मिला है, और उस जो राहुल गांधी ने वीडियो रिलीज किया जो कांग्रेस पार्टी ने, उसमें तो कहा जा रहा है इनकी तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। चरणजीत जी एक बात और बताएं, जब राहुल गांधी ने कहा था कि वीडियो उन्होंने आपका एक दिखाया था कि पैसा नहीं मिला, वो वीडियो कब का है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो ज़्यादा काफ़ी हुआ उसका पता नहीं, मैंने तो मालूम नहीं बारे वीडियो का, इतों कोई ने चैनल वाले ने भेजे होना, पैसा भी बाद ची है ना, राहुल गांधी जब उस पैसा कोई आया नहीं, बीमे का 48 लाख का कल परसों आया, 10 तरीक 10 जून आया। हाँ जी हाँ जी सारिया गल्ला उन्होंने घंटे सवा घंटे अरविंदर, तो ये क्या कह रहे हैं, इनको नहीं मालूम वो वीडियो कब का है? जी जी इनका यही कहना है कि वीडियो पहले से बनाया गया था, और इनका यही कहना है कि राहुल गांधी पहले आए थे और उसके बाद पैसे आए हैं, इनका बार बार यही कहना है। ठीक है, और अग्निवीर योजना के बारे में क्या कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, उसमें सुधार होने चाहिए, यही कह रहे हैं ये? जी बिल्कुल जी हाँ, ये कह रहे हैं कि इस योजना को रद्द करना चाहिए, हाँ क्योंकि इसमें कुछ मिलता नहीं है, इनका बार बार हमने बिना कैमरे से भी बात की है, तो यही बार बार ये कह रहे हैं कि इस योजना को रद्द करना चाहिए, और ये बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे बेटे जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ये बार बार मांग उठाई। शहीद का दर्जा क्या मिल सकता है जनरल दत्ता, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सरकार के पास तो कोई शहीद नाम का कोई और उनके आधिकारिक दस्तावेज में तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं होता, ना ही कोई पहले, हमेशा से ये प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। तो सरकार आप ही की सरकार थोड़ी ना, सरकार तो हमेशा पहले से बोलिए मान्यवर, बहुत जरूरी है वो। कोई नोटिफिकेशन आज तक किसी भी सरकार में नहीं आया शहीद नाम का, जनरल दत्ता। गौरव मैं थोड़ा सा इसको इन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा, हाँ ये अग्निवीर योजना जो है ये इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जानना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि हमको एक यंग प्रोफाइल चाहिए आर्मी में, क्योंकि जो हमारा एल्टीट्यूड है कारगिल के जंग के बाद जो हमने देखा उसका जो रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आई कि आपका जो ओवरऑल प्रोफाइल है जवान का एक पल्टन के अंदर उसका जो एज ग्रुप वो हायर है, तो हमको एक यंग प्रोफाइल चाहिए हाई एल्टीट्यूड और डिफिकल्ट एरियाज में लड़ने के लिए। इसके लिए क्या है कि आपने एक यंग प्रोफाइल लाना बहुत जरूरी है। तो ये तो था ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यंग प्रोफाइल जो टेक्निकली क्वालिफाइड हो, जज्बा हो जिनके अंदर, उनको आप लीजिए। तो अभी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि साहब मेरे को एक करियर चाहिए जिसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मेरे को पेंशन मिलनी चाहिए, तो ये दो चीजें हैं जिसको आपको लेके डिबेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एस्पिरेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अभी अगर मैं बोलूं कि साहब ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए था, हमें चाहिए था यंग प्रोफाइल, हमको चाहिए था अगर हम मान लीजिए 100 आदमी ले रहे हैं, 100 आदमी में से 25 आदमी रिटेन होंगे, और वो 25 आदमी वो रिटेन होंगे जो अपने आप को प्रूव करेंगे इस 4 साल के दौरान, और आगे चल के उनको पूरी पेंशन भी मिलेगी, उनकी कंटिन्यूटी रहेगी, और जो 75% निकलेंगे उनको ये लेटरल अब्सॉर्प्शन के अंदर, ये मतलब जो जानकारी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में उनको रक्षण दिया जाएगा, ताकि अगर